गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स अच्छे होंगे और आपके यहाँ अच्छी ब्रीडिंग भी चल रही होगी। दोस्तों आज संडे था तो सोचा कि आप दोस्तों के लिए कुछ अलग वीडियो आज मैं लाऊं, तो उसके लिए आज मैंने जो अपना होगोरोमो, जिसे हेलीकॉप्टर बजरी भी बोला जाता है, उसका ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस बार मेरे यहाँ होगोरोमो बजरी, जिसे हेलीकॉप्टर बजरी बोला जाता है, उसका ब्रीडिंग ज़बरदस्त हुआ है। आप देख रहे हैं वैसे बच्चे ही बच्चे हैं दोस्तों। इसमें स्पेंगल है, अल्बिनो, इस बार दोस्तों अल्बिनो बच्चे भी मेरे यहाँ निकले हैं और हर एक कलर में। दोस्तों हेलीकॉप्टर बजरी अगर एक बार सेट हो जाती है तो वो नॉर्मल बजरी की तरह ही ज़बरदस्त ब्रीड करती है। आपके यहाँ आप देख रहे हैं वैसे मेरे यहाँ भी इस बार ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर बजरी का ब्रीडिंग हुआ है। साथ में थोड़े लुटिनो और अल्बिनो के नॉर्मल बच्चे भी हैं, जिसे नॉर्मल बजरी बोलते हैं। सब आप देख रहे हैं वैसे इसमें नो रेम्बो, स्पेंगल, अल्बिनो, ऐसे हेलीकॉप्टर के बच्चे हैं दोस्तों। और इस बार ज़बरदस्त ब्रीडिंग हुआ है मेरे यहाँ। दोस्तों आपके यहाँ भी ऐसी शानदार ब्रीडिंग चाहिए तो आप ये तीन बातों का ध्यान रखो तो आपके यहाँ भी अच्छी ब्रीडिंग होगी। पहली जो बात है दोस्तों वो है मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, उसके साथ एडल्ट होना चाहिए बजरी। और दूसरी जो बात है दोस्तों, उसको सॉफ्ट फूड और साथ में जो मिक्स सीड है वो अच्छा देना चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात है, हमारे शेड में टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जो बर्ड्स के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर बर्ड्स को ठंडी लग जाएगी तो उसको जो डायरिया बोलते हैं वो हो जाएगा, जिससे भी काफ़ी बच्चे और एडल्ट मर जाते हैं बजरी हमारे। तो हमें टेम्परेचर का भी काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर हितू पेट्स भरूच।